आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। खबर खाला डूंगी से है, जहां पूर्व विधायक व कैबिनेट मंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के बंशीधर भगत ने काला डूंगी तहसील परिसर में भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव रिटर्निंग अधिकारी रेखा कोहली के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल कराया। वहीं प्रत्याशी बंशीधर भगत ने कहा कि वह पार्टी का धन्यवाद करते हैं और जिस प्रकार काला डूंगी विधानसभा में विगत वर्षों से लगातार उनके द्वारा विकास कार्य किए जा रहे हैं और जनता के बीच हमेशा सुख दुख के साथ रहे हैं, उससे निश्चित तौर पर कालाडूंगी विधानसभा से भाजपा की जीत होनी तय है। नॉमिनेशन हुआ है, पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, मैं उसका आभार प्रकट करता हूं और पार्टी के द्वारा के अलावा यहां की जनता और यहां के कार्यकर्ताओं ने जो वातावरण बनाया है उसके कारण मुझे टिकट दिया है, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं और मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, जैसे पिछले वर्षों में मैंने लगातार जनता के बीच में रहकर उनके दुख सुख में शामिल होकर और यहाँ का विकास को प्राथमिकता देकर काम किया, वैसे ही आगे भी करेंगे। खबर कलियर से है, जहां प्रत्याशी हाजी फुरकान अहमद ने नामांकन करने से पहले दरगाह साबिर पाक में चादर व फूल पेश देश में आमनो अमन की दुआ मांगी। इस दौरान हाजी फुरकान अहमद ने कहा कि हाईकमान व पार्टी ने उन पर विश्वास जताते हुए तीसरी बार कलियर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। पूर्वी विधानसभा में जनता का भारी समर्थन मिल रहा है, जिससे भारी मतों से विजय प्राप्त करेंगे। आज तीसरी बार पार्टी हाईकमान ने मुझे पार्टी का यहाँ से प्रत्याशी बनाया। आज मैं नामांकन करने के लिए जा रहा हूँ। अपने हमारे विधानसभा के सभी जिम्मेदार आप यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ चल रहा है, ज्यादा भीड़ नहीं जा सकती, इसलिए हम दो आदमी जाएंगे और आज अपने साथियों से इजाजत लेकर अपने विधानसभा के जो हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी हैं उनसे सभी इजाजत लेकर नामांकन के लिए जाएंगे, क्योंकि चुनाव हमारे सभी साथियों को लड़ना है, अकेला नहीं किसी के बस की बात नहीं। तो इसलिए मैं अपनी ओर से यही कहना चाहता हूँ कि पार्टी ने हाईकमान ने मुझे प्रत्याशी बनाया, आपके सबके सहयोग की जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है, हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। खबर कलियर से है, जहां सभी पार्टियों ने अपने अपने विधानसभाओं पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। जहां वहीं विधानसभा पिरान कलियर से आजाद समाज पार्टी के राशिद मलिक ने घोषित कर दिया गया, जिससे विरोधियों में खलबली मची हुई है। वहीं राशिद मलिक का कहना है कि हम पूरी विधानसभा का दौरा कर रहे हैं और जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और इस चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। मैं पहले चंद्रशेखर भाई का शुक्र अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा है और अपनी पार्टी से मुझे टिकट दिया है। और अब क्षेत्रवासियों की ही डिमांड पे हुआ वैसे तो ये काम, क्योंकि क्षेत्रवासियों को जो पहले विधायक थे उनकी तरफ से बड़ी मायूसी थी, तो उनकी डिमांड भी थी राशि भाई तुम आ जाओ। तो फिर हम चंद्रशेखर भाई से मिले, उन्होंने फिर हमें यहाँ के लिए लड़ने के लिए बोल दिया। हम जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं, जिस वर्ग के लोगों के पास जा रहे हैं। खबर रुड़की से है, जहां कांग्रेस हाईकमान द्वारा रुड़की से यशपाल राणा ने प्रत्याशी घोषित किए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि देर रात कांग्रेस द्वारा तीसरी लिस्ट जारी की गई, जिसमें रुड़की से यशपाल राणा को कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित किया गया। वहीं यशपाल राणा ने कहा कि मेरे विकास के मुद्दे रहेंगे। आप सभी ने देखा होगा कि मेरे पिछले कार्यकाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य किए गए हैं। प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल जी और हमारे चुनाव अभियान समिति के चेयरमैन हैं हरीश रावत जी, प्रभारी हमारे देवेंद्र यादव जी, दीपिका सिंह पांडे जी और सीएलपी लीडर हैं हमारे प्रीतम सिंह जी। मैं इनका सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मुझ पर विश्वास दिया। देखिए, मेरा विश्वास रुड़की की जनता पर है और रुड़की की जनता का विश्वास मेरे पर है। मेरा पिछले 5 साल का कार्यकाल रुड़की की जनता ने देख रखा है, मैंने किस हिसाब से रुड़की के अंदर काम करे हैं,
और रुड़की शहर को नगर निगम से भ्रष्टाचार से दूर रखा है। तो मैं अपने उन्हीं मुद्दों को लेकर, मैं विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ूंगा। सितारगंज विधानसभा और ननकमता विधानसभा के प्रत्याशी ने नवीन मंडी में उप जिलाधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। प्रत्याशी ने नवीन मंडी में उप जिलाधिकारी के समक्ष नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। वहीं कांग्रेस से टिकट न मिलने पर नाराज पूर्व विधायक ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। उन्होंने भी मंडी स्थल पर उप जिलाधिकारी के समक्ष पर्चा दाखिल कर दिया। आज के दिन से हम लोगों ने हमारा बाहर वालों को वोट देते हैं। हमारे लोग इधर लोगों ने मन बना लिया है कि अब की बार बेटे को चुनाव लड़ाना है, किसी नेता को नहीं। लोग विधायक बनाते, लोग विधायक के बाद मुख्यमंत्री बनते थे, हमने मुख्यमंत्री को विधायक बना के देख लिया, चुनाव नहीं अपना। आज लोगों ने मन बना लिया है कि बाहरी नहीं, इस बार स्थानीय चाहिए और बेटा नेता नहीं, बेटा चाहिए। इस बार बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने जो समर्थन और सहयोग किया है और जो इसमें मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिला जनता को नमस्कार करता हूं। पार्टी हाईकमान ने जनता की जो डिमांड थी, क्योंकि सर्वे कराया था पार्टी ने, सितारगंज की जनता ने मेरा नाम जो है उसमें दिया कि भी मैं चुनाव अच्छा लड़ सकता हूँ। मौजूदा विधायक के सामने मैं ही ज़्यादा बेहतर लड़ूंगा, तो पार्टी ने मेरे पर विश्वास जताया और मुझे टिकट दिया। प्राथमिकता यही रहेगी कि जनता ये मान रही है कि मैं हमेशा क्रियाशील रहा हूँ, तो चुनाव में मुझे लगता नहीं है बहुत ज्यादा दिक्कत है। और जनता खबर हरिद्वार के जिला ज्वालापुर से है, जहां कांग्रेस हाईकमान की तरफ से ज्वालापुर से रवि बहादुर को प्रत्याशी घोषित किए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। बता दें कि कांग्रेस की ओर से तीसरी लिस्ट जारी की गई है, जिसमें ज्वालापुर से रवि बहादुर को कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित किया गया। रवि बहादुर को कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित होने पर उनके कैंप कार्यालय पर पहुंचे सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने रवि बहादुर को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान रवि बहादुर ने कहा कि मेरे विकास के ज्यादा मुद्दे रहेंगे। खबर कालाडूंगी से है, जहां आज कांग्रेस के प्रदेश महासचिव महेश शर्मा ने कालाडूंगी तहसील से नामांकन पत्र खरीदा। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी शर्मा ने नामांकन पत्र खरीदने पर बाजपुर से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य को कालाडूंगी में पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं महेश शर्मा के साथ कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस से हम महेश शर्मा को कालाडूंगी विधानसभा से टिकट मिलने पर निश्चित तौर पर कांग्रेस की विजय होगी। 15 साल से हम एक कार्यकर्ता के हक की लड़ाई लड़ रहे थे और आज हाईकमान ने पूरी सर्वे करा करके गांव-गांव, नगर हों, वार्ड हों, पंचायतें हों, हर व्यक्ति से, आपने इतनी इंक्वायरियां पहले आपने शायद कहीं देखी होगी, फोनों के माध्यम से क्षेत्र में जाके हाईकमान ने मजबूत प्रत्याशी की तलाश करी और उस तलाश में मैं खरा साबित हुआ। हाईकमान ने जन भावनाओं के अनुरूप मुझे कालाडूंगी विधानसभा से प्रत्याशी बनाया। आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में एक जोश है, एक उत्साह है, लोगों में एक जुनून है। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से लोग त्रस्त हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की विदाई करना चाहते हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की विदाई करेगा और कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करके 15 फरवरी को भारी मतों से विजयी बनाएगा। कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र में हमारे कांग्रेस हाईकमान ने, उत्तराखंड के शीर्ष नेतृत्व ने, केंद्रीय नेतृत्व ने महेश शर्मा जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है और यह कार्यकर्ताओं की कई वर्षों से मांग भी थी और यहाँ की जनता की आवाज़ भी महेश शर्मा बने रहे। यहाँ की मूलभूत समस्याओं को हमेशा उन्होंने आंदोलन के रूप में हो, चाहे प्रदर्शन के रूप में हो, चाहे धरने के रूप में उठाने की काम किया है। आज मुझे बेहद खुशी है कि यहाँ पर महेश शर्मा जी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और निश्चित रूप से इस बार कालाडूंगी क्षेत्र में कांग्रेस का परचम, कांग्रेस का झंडा फहराएगा, इस बात का मुझे यकीन है, भरोसा है। कलियर विधानसभा सीट से भाजपा पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनाए जाने पर मुनेश कुमार सैनी ने अपनी सरकार का आभार व्यक्त किया और कहा कि मुझे छोटा भाई समझकर विधानसभा में उतारा है, जनता को हम पर पूरा भरोसा है कि अब की बार कमल के फूल खिलाने का काम करेगी। और साथ ही कहा कि फुरकान अहमद ने 10 सालों में जो काम नहीं करा वह हम करके दिखाएंगे और जनता का पूरा भरोसा है कि अब की बार विधानसभा पिरान कलियर में हमें विधायक पद की जिम्मेदारी जनता देगी।
शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं और अपने कलेर विधानसभा के प्रत्येक मतदाता की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जिसे बहुत छोटे बहुत ही सामान्य एक कार्यकर्ता को जो उन्होंने इतना विश्वास जताया और उस विश्वास को हम लोग जितने भी कलेर के मतदाता और मैं हम सब लोग उस पर खरा उतरने की कोशिश करें। रही बात बहुत कम समय है, हमारी पार्टी जो हो बिल्कुल राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी बिल्कुल उनके जितने भी रूल रेगुलेशन है जितने भी नियम है कायदे कानून है वो सब लोग हमारी पूरी पॉलिसी बनी हुई है और उस पॉलिसी के आधार पर ही हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट वितरण के बाद शुरू हुई कलह खुलकर सामने आने लगी है। भाजपा ने लालकुआ विधानसभा सीट से मोहन सिंह बिष्ट को टिकट देने के बाद भारतीय जनता पार्टी से टिकट के प्रबल दावेदार नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन पवन चौहान की तरफ से आयोजित महापंचायत में पवन चौहान ने साल 2012 से आज तक की गई भाजपा की सेवा का जिक्र करते हुए वह रो पड़े। उन्होंने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा का टिकट बंटवारा भाजपा की ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे लालकुआ विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर कर कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों को धूल चटाएंगे। खुद कहा महापंचायत बुलाएंगे, उन्होंने बुला करके मेरे से कहा कि आप हमारे नेता हैं, आप हमारे नेता रहेंगे, आपको विधायक बनाना है। तो मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी में जहाँ मेरा शोषण हो, जहाँ मेरा मेरे जैसे कार्यकर्ता हो, ईमानदारी कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह का व्यवहार हो, उस पार्टी में एक मिनट नहीं रहना पसंद करता हूँ। आज ला रहे हैं, कल टिकट दे रहे हैं, यहाँ नहीं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में खेल चल रहा है। कौन से संगठन है, कौन सा संगठन है? आज लाए उधर को, वो उधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, वही कांग्रेस है, वही बीजेपी है। अरे जनता की सेवा कौन करेगा? जनता का आधी रात में फोन कौन उठाएगा? जनता उससे मिलने कहां पर जाएगी? जनता को अपना बीच का व्यक्ति जिसके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं ऐसा व्यक्ति चाहिए। और लालकुआ विधानसभा की जनता ने मेरे ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास जता करके आज कह दिया आप पर्चा दाखिल करिए, निर्दलीय चुनाव लड़िए और कांग्रेस और बीजेपी दोनों को धूल चटाएंगे। और दोनों को धूल चटाने के यहाँ की जनता ने निर्णय ले लिया है। डीडीहाट विधायक कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कोविड 19 के नियमों के तहत डीडीहाट के अपना नामांकन किया। सहायक निर्वाचन अधिकारी अनुराग आर्या को नामांकन पत्र सौंपा। नामांकन करने के बाद कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने भाजपा कार्यकर्ताओं से फूलमालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि आज हर गांव में भाजपा की लहर फैली हुई है, भाजपा की ही ऐतिहासिक जीत हो रही है, जहां कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिख रहा है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का वातावरण बना हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 5 साल के अंतर्गत जो हमने जनता से वायदे किए थे उनको हमने पूरा किया। और जो हमारा जो कार्यकाल था 5 साल का कार्यकाल था वो जनता की जनभावना के अनुरूप हमने काम किया। आज देख रहे हैं कि जिस क्षेत्र में भी मैं जा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इससे लग रहा है कि आने वाला समय उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के चुनाव के लिए आगामी 14 फरवरी को मतदान होना है, जहां आज विकासनगर सहसपुर चक्राता विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू हुई थी। आज से नामांकन प्रक्रिया के विकासनगर से भाजपा प्रत्याशी मुन्ना सिंह चौहान और कांग्रेस के नवप्रभात, सहसपुर से भाजपा प्रत्याशी सहदेव सिंह पुंडीर और कांग्रेस प्रत्याशी प्रीतम सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्रों की जांच 29 जनवरी को होगी, जहां 31 जनवरी को नाम वापसी की अंतिम तिथि रखी गई है। नाम वापसी के बाद चुनाव में मैदान में डटे प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी और 10 मार्च को मतगणना होगी। इसके बाद चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। जनता का आभारी हूं कि उन्होंने मेरे वर्तमान कार्यकाल में भी जिस प्रकार से बढ़ चढ़ करके मुझे कदम दर कदम सहयोग दिया और मेरे कामों का समर्थन किया, उसी का नतीजा है
उसी का मूल्यांकन करके भारतीय जनता पार्टी मुझे उम्मीदवार भी बनाया। उसके लिए मैं विकास नगर क्षेत्र की महान जनता का आभारी हूँ। जिस प्रकार से मैंने नारा भी दिया कि उत्तराखंड प्रदेश 22वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, 17 साल में विकास नगर विधानसभा के विकास के लिए जितना धन आवंटन हुआ उसे तराजू के एक पर्दे में रखें और मेरे इस 5 वर्ष के कार्यकाल में जितना विकास योजनाओं के लिए धन आवंटन हुआ उसे एक पर्दे में रखेंगे तो 17 साल के मुकाबले 5 साल का जो विकास कार्यों में विकास कार्य हुए हैं वो भारी पड़ेंगे। मेरी जो पुरानी परियोजनाएं हैं वो आर्थिक दृष्टि से भी और लोगों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से भी अगर वो पूरी कर दी जाए तो काफ़ी है, और परियोजनाएं बड़ी हैं। धीरे धीरे मैं उन परियोजनाओं की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना शुरू करूँगा। देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे चकराता विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं चकराता के लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बारंबार कांग्रेस में विश्वास व्यक्त किया है। और 2022 की जो चुनौती हमारे सामने है, निश्चित रूप से चकराता के लोग इस बार भी कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। मेरा रोड मैप पहले भी स्पष्ट था, आज भी स्पष्ट है। हमने सहसपुर विधानसभा में इन 10 सालों में नए आयाम स्थापित किए हैं, चाहे वो पेयजल से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, विद्युत से संबंधित हो या सड़कों से संबंधित हो। हमने विकास के कार्य किए हैं और जो काम रह गए उनको आगामी आने वाले समय में हम उन कामों को भी पूर्ण करेंगे, और उन विकास के नाम पर ही हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारी केंद्र सरकार की उपलब्धियाँ, प्रदेश सरकार की उपलब्धियाँ, उनको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, और जनता का आशीर्वाद निश्चित रूप से मुझे मिला हुआ है और फिर मिलेगा। महंगाई का मुद्दा है और यहाँ सड़कों से लेके सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई काम नहीं हो रहा है। हमारे किसी क्षेत्र में विकास रुका हुआ है, सहसपुर पूरे क्षेत्र में 15 साल से शीशमबाड़ा कूड़ा जो है सबसे बड़ी समस्या है, और इसी तरीके से हमारे और महिलाओं के लिए कोई रोजगार नहीं है। तो हम इन सब बातों को लेके बीच जा रहे हैं जनता के बीच में, और जनता का बहुत हमको सहयोग मिल रहा है, और जनता जो है आप देखेंगे कि सहसपुर में सबसे बड़ी जीत जो है कांग्रेस की होने जा रही है। और जो हमारे साथी कुछ रूठ भी गए हैं हम उनसे संवाद स्थापित कर रहे हैं और निश्चित ही हम उसमें सफलता पाएंगे। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।